तुम्हारा पर्स कहाँ है? पर्स? हाँ, तुम्हारा पर्स। ये रहा, लेकिन खैरियत? ये लिफाफे इतने कम क्यों हैं? कहीं तुमने छुपा के रखे हैं क्या? लिफाफे? मैंने तो कोई लिफाफे नहीं छुपाए। आप क्या कह रहे हैं? अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो, देखो कौन है दरवाजे पर। अरे क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है? अरे क्या खाक खैरियत है, किस चंडालन से आपने मेरी शादी करवा दी अम्मा? ये सारे लिफाफे चट कर गई। अरे नवीद, क्या फजूल बकवास कर रहा है बेटा तू? अरे मेरा नुकसान हो गया और आपको कोई परवाह ही नहीं है? अरे चुप कर जा, वरना बुलाती हूँ अभी तेरे बाप को। अरे बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मानना, थोड़ा सा मुँह फट है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है मेरा बेटा। हाँ। अरे बातों बातों में तो काम की बात भूल ही गई। अरे बेटा ये हार और ये जो कीमती जेवरात है ना, ये सब मेरे पास रखवा दो तुम। लेकिन क्यों अम्मी? अरे बेटा, इसका नहीं पता तुझे, अभी तो लिफाफों पे झगड़ा कर रहा है, अब कल को जेवर भी तुझसे मांग बैठेगा। मेरे पास रहेगा ना तो मैं हिफाजत से रखूंगी, इसकी हिम्मत भी नहीं होगी। ला बेटा, ला दो, शाबाश। अरे बेटा, ये कानों की बालियां भी मुझे दे दो। लाओ मेरा बच्चा, शाबाश। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। अरे बेटा, ये कम्बख्त पानी ना सुबह 5 बजे आता है, तो मेरा बच्चा उठ के ना सुबह सुबह सारा पानी भर लेना मोटर चला के। ठीक है बेटा, चलो अब तुम दोनों आराम करो मेरा बच्चा। सही है, शाबाश, अच्छे से आराम करना। ठीक है, चलो खुश रहो दोनों, अल्लाह हाफिज। महारानी उठ जाओ, दिन चढ़ाया है, अब तक पड़ी सोड़ी है, उठो। ओ नवाबजादी। जी अम्मी। ये क्या है, सारा का सारा खारा पानी भर के रख दिया? बराबर में लगा हुआ वॉल नजर नहीं आया तुम्हें? अम्मी वो मुझे वॉल वगैरह का इतना पता नहीं था। अरे नहीं पता था तो पूछ लेती ना किसी से। अम्मी आप सो रही थी, मैं आपको कैसे जगाती हूँ? अरे तो अपने घर में क्या मैं सुकून से सो भी नहीं सकती? देखो तो जरा कैसी जबान चल रही है इसकी, माँ खराब करके रखा है। ये क्या तुमने सुबह सुबह चिक चिक लगा के रखी है? देखो जरा अपनी बहू रानी को, सारा का सारा खारा पानी भर दिया, पूछो तो जरा इससे। क्यों भाई, तुम्हारे घर सब क्या खारा पानी पीते हैं? अब्बू मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं एहतियात करूंगी। नवीद नहीं दिखाई दे रहा? दुकान पर चला गया होगा मेरा बच्चा, बगैर नाश्ता किए। क्यों भाई, तुम्हारे अब्बू ने यही सिखाया है कि शोर को खाली पेट काम पे भेज दें? नाजिक जरा फोन कर अपने भाई को, पता नहीं मेरे बच्चे ने नाश्ता किया अभी के नहीं। अब अपनी माँ के नक्शे कदम पर मत चलना तुम, बता रही हूँ। हाँ, खुद तो ऊपर निकल गई, अपने शोहर को फालिश दे गई, खबरदार जो तूने मेरे बेटे को बीमार किया तो। अरे क्या ये बातें करने लग गई हो तुम भी, जाओ कम से कम हमारे लिए नाश्ता तो बनाओ। अबू मैं अभी बना देती हूँ। सुनो महारानी, पराठों में घी कम लगाना जरा, समझ गई? जी अम्मी। आजकल कुछ ज्यादा ही मस्ती नहीं करने लगे हो तुम? तुम्हारे आगे भला कौन मस्त ना। अच्छा ज्यादा बातें नहीं बनाओ। अच्छा जी,
अब हमारी जज्बात मैडम को बातें बनाने लग रही है। मुझे तंग नहीं करो, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों परेशान है मेरी जान? इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने ना फराज खालू के साले से मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैडम भला किसको पसंद करती है? है एक, अक्सर मोहल्ले में नजर आता है। कहीं उसका नाम दानिश तो नहीं है? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं जानता हूँ उसको, एक नंबर का फराड़ी चोर है। अच्छा, क्या चुराया उसने? है एक नाजिश नाम की लड़की, उसका दिल चुराया उसने। तुम फिर शुरू हो गए, बात को गोल मत करो। अब मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती, हमें जल्द कुछ करना होगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नाजो मेरी जान, थोड़ा सब्र से काम ले। इसी चक्कर में तो लगा हुआ हूँ, एक दोस्त से बात की है, गांव में हमारे लिए खास एक जगह का इंतजाम कर रहा है वो, जहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तुम्हें जो करना है प्लीज जल्दी करो, वरना मैं खुद आ जाऊंगी भाग के तुम्हारे पास। जी भाभी, क्या काम है? नाजिश, बहुत दिन हुए अब्बू से बात नहीं हुई, तुम मेरी अब्बू से बात करवा दोगी फोन पे? आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन नवीद के पास है, उनका फोन खराब हो गया था ना, तो मैंने उनको अपना फोन दे दिया। अच्छा भाभी, अभी बैलेंस नहीं है, जब आएगा तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। चलो ठीक है, लेकिन याद से करवा देना। पानी पी ले। इससे बुरा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। आज खाना मैंने नहीं, अम्मी ने बनाया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में मेरी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए? मैं उनसे कोई काम नहीं करवाती, बल्कि उनका सारा काम भी मैं खुद ही करती हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरे सामने मेरी माँ की बुराई करते हुए? मेरे कान भरना बंद करो, तुम जैसी औरतों की साजिशों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। नबी, मुझे मेरा मोबाइल वापस करें। क्यों, तुम्हारे आशिक से इंतजार नहीं हो रहा क्या? ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? नवीद, मेरा मोबाइल मुझे वापस करें, मुझे अब्बू से बात करनी है। सब पता है मुझे कौन से अब्बू से बात करनी है। खबरदार, अगर आज के बाद मोबाइल मांगा तो, हमारे घर में इजाजत नहीं लेडीज को मोबाइल रखने की। तो नाजिश के पास भी तो मोबाइल है। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, बच्ची है वो अभी, वो तो बेचारी ड्रामे देखती है उसमें, तुम्हारी तरह नहीं कि अपने मुआशकी चलाती रहे। बेहया औरत कहीं की। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी हसीन लग रही मेरी बच्ची, नजर ना लगे किसी की। वैसे एक बात है, उस चंडालन का जेवर तुझ पे जच फूंक रहा है। क्या फायदा जचने का अम्मा, कौन सा ये मेरा है? अहे, ऐसे क्यों कह रही है, तेरा नहीं है तो और फिर किसका है? सारा जेवर अब तेरी शादी पे चढ़ाऊंगी ये मैं। तो फिर भाभी से क्या कहोगी? उससे क्या कहना, उस अजाब को अपने घर में पाल रहे, ये क्या काम है? अब उसका जेवर भी नहीं ले सकते क्या हम? लेकिन अम्मा, ये जेवर तो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। अह, छोड़ निशानी को, जब माँ ही नहीं रही तो निशानी का एक ही। और बात सुन, ये सारा जेवर तू अपनी मम्मी पे पहनी हो। अम्मा, मैं नहीं करूँगी फराज मामू के उस साले से शादी, मुझे नहीं पसंद वो। अरे हाय, ऐसे क्यों कह रही है, शादी के बाद सब अच्छे लगने लगते हैं। अब अपने बाप को ही ले ले, कौन सा मुझे पसंद करते थे वो, निभा रही हूँ ना मैं। बात सुन, लड़का जो है पैसे वाली तगड़ी पार्टी है, समझी? अरे रानी बना के रखेगा तुझे, रानी, ऐश करेगी मेरी बेटी, ऐश। भाभी, आपके अब्बू का चैन नहीं है तेरे फारिग ज्यादा बाप को? खुद तो फारिग बिस्तर में पड़ा हुआ, दूसरों को भी फारिग समझता है, तूने क्यों नंबर दिया? भाभी को बात करनी थी, इस वजह से दिया। भाभी को बात करनी थी, खबरदार जो आइंदा तूने किसी को नंबर दिया अपना, बड़ा ही कोई जलील किस्म का इंसान है तेरा बाप। हाँ ठीक है, तुम्हारी साहबजादी मरी नहीं है, जिंदा है अभी, और खबरदार मेरी बेटी के नंबर पे आइंदा तुमने फोन किया, समझे? हनी, मुंह कैसे पड़ जाता है इन लोगों का, हमारी बेटी से बैठ के आजो। या खुदा, इन जालिमों पर अपना कहर बरसा। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बोल ना, बोल। खुदा रहा, मेरे अब्बू से बात करवा दे, वो बहुत बीमार है। मेरे अब्बू से बात करा दे, उनकी तबीयत सही नहीं होगी। अरे हमने क्या ठेका लिया हुआ तुम्हारे बाप से बात करवाने का? बड़ा ही कोई जलील किस्म का इंसान है तेरा बाप, नंबर बदल बदल के फोन कर रहा है। अब
अरे जाने मन मुबारक हो, सारा का सारा बंदोबस्त कर लिया मैंने, बस समझो तुम अब आजाद होने वाली हो। हैं? कौन आजाद हो जाएगा? ओ हेलो, हेलो, कौन कौन है ये? मुझे क्या पता अम्मी। क्यों? मोबाइल तेरा, फोन तेरे मोबाइल पे आ रहा है और तुझे नहीं मालूम कि ये कौन है? तो मेरा मोबाइल अक्सर भाभी भी तो यूज करती है। ओ तो अब मैं समझी कि ये मोबाइल की इतनी जिद क्यों लगा रखी थी इसने, असल में तो इस बाप से बात करनी थी इसको। मैं क्या कह रही हैं आप? नाजिश बताओ किसकी कॉल थी? अरे वो क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे, ठहर तू, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। नवीन, ओ नवीन। अम्मी अरे कहाँ मर गया, इधर तो आ जरा जल्दी से। सच बताएगी तो तेरी जान बख्श दूंगा। बता कौन है वो लड़का और क्या मंसूबे बना रहे हो तुम दोनों? मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुकी हूँ कि मैं किसी से बात नहीं करती, मैं नहीं जानती कि कौन है वो लड़का। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दे प्लीज। शर्म नहीं आती? शोर क्या होता है, वैसे काम करती है। आज तो तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। ये देख आ गया तेरे खसम का फोन, तुझे ही याद कर रहे थे हम, जलील इंसान। पता क्या रिश्ता है तेरा फायजा के साथ? बोल। मैं बोलता क्यों नहीं बे, गुंगा हो गया क्या तू? बेटा तू जहां भी रहता है ना, बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अब भी झूठ बोलेगी? हाँ देखिए अपने सजन की बेताबी। हाँ बता कहाँ होता है ये? दोनों को साथ खड़ा करके मार दूंगा मैं। मुझे नहीं पता, मुझे मार दिया इसे। अरे तुम चुप करो जी, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है। इतनी आसान मौत नहीं लिखी इसके मुकद्दर में, सांसें चल रही हैं, बेहोश हुई है। खानदान में इसके माशके के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तूने भी किस आवारा लड़की से शादी करवा दी इसकी? अब हो गया धोखा तो क्या कर सकते हैं, देखने में तो बहुत शरीफ लगती थी। देख बेटा अब इसके बारे में सोच समझ के फैसला करना, खानदान में या बाहर किसी को भी इसके चक्कर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ इसका। ये कहाँ चला गया जेवर, यही तो रखा था मैंने सब पोटली बनाकर, कहाँ चला गया? नाजिश, अरे नाजिश, नाजिश कहाँ चला गया? नहीं मिल रहा जेवर। नाजिश, नाजिश जल्दी से आ। नाजिश सुबह सुबह कौन सी कयामत उठा रही? अरे मैंने ना सारा जेवर पोटली में बना के यहाँ पे रखा था, तो देखो यहाँ पर नहीं है। क्या मतलब नहीं है? आप ठीक से देखो अम्मा, यही कहीं होगी। अरे बेटा मैंने सब देख लिया, अच्छी तरह सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। सुन ये कहीं फायजा की बच्ची ने तो नहीं चुरा ली है? अम्मा फायजा कहाँ से चोरी कर सकती है, मैंने तो खुद उसे बंद करके रखा हुआ है। आप एक काम करें, नाजिश से पूछते हैं, उसने शायद कहीं यहाँ वहाँ रख दिए होंगे। हाँ ठीक कह रहा तू। नाजिश, अरे नाजिश, नाजिश अरे अभी तक पड़ी भी सो रही है, खुद मैं इतनी परेशान हूँ, वो जेवर की पोटली नहीं मिल रही, कहाँ रखी है? नाजिश कहाँ गई? क्या लिखा इसमें, क्या लिखा? नाजिश ये घर छोड़ के भाग चुकी है, उसे कोई और पसंद है। अब्बा, अब्बा क्या हुआ? अम्मी पानी लाओ। तू जा पानी लेके आ। मैं लेकर आता हूँ। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ठीक हो जाएगा सब, आ जाएगी नाजिश। क्या हुआ? कुछ बोले तो, कुछ बोले तो। सब ठीक हो जाएगा अब्बा, आप तसल्ली रखें। नाजिश की कॉल है। उठा जल्दी उठा, स्पीकर पे भी डाल। हेलो, हेलो नाजिश, नाजिश कहाँ हो तुम? भाई, भाई, भाई मैं स्टेशन पर हूँ। अरे स्टेशन पे क्या कर रही है तू? अम्मी, अम्मी नारिश ने मेरे साथ बहुत धोखा किया, मुझे स्टेशन पे बिठा कर खुद चला गया और मेरा सारा सामान, मेरा जेवर भी उसके पास था। अम्मी मुझे माफ कर दे। अम्मी आप सुन रही है ना अम्मी? अम्मी नाजिश, ये क्या किया तूने? नाजिश क्या किया, हाथ जोड़ दिया हमारे सरों में।